हेलो नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन मेंटर पे आप सभी का स्वागत है। मैं अंकुर शर्मा और यहाँ पे सुपर फास्ट कैलकुलेशन की सीरीज़ में पहली वीडियो आप लोगों के लिए, जिसमें हम देखेंगे टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन, और जो कि बहुत ही कम समय में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस ट्रिक को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं 52 को सपोज मुझे 31 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पहले यहाँ पे देखना है कितने स्टेप्स यहाँ पे बनने वाले हैं। टू डिजिट मल्टीप्लीकेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि ऊपर भी टू डिजिट्स हैं और नीचे भी टू डिजिट्स हैं। सपोज हम टॉकिंग अबाउट कि तीन डिजिट मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे सपोज 531 इंटू 332, यानी कि तीन डिजिट की मल्टीप्लाई तीन डिजिट से करते हैं तो वो थ्री डिजिट मल्टीप्लीकेशन कहलाता है इन जनरल लैंग्वेज। सो टू डिजिट मल्टीप्लीकेशन इस वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम थ्री डिजिट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स होंगे, सबसे पहला स्टेप होगा हम कभी भी कैलकुलेशन राइट साइड से करना स्टार्ट करते हैं, तो एक बात तो ये हो गई। और पहला स्टेप बनेगा आपका इन दोनों में ऑपरेशन, अगला स्टेप बनेगा इन चारों में ऑपरेशन, और उसके अगला स्टेप बनेगा इन दोनों में ऑपरेशन। मतलब कहने का है कि टू डिजिट मल्टीप्लाई करने के लिए मेरे पास तीन स्टेप होंगे। एक बार फिर से देखते हैं, सपोज ये आपके सामने चार डिजिट लिखी हुई है, यानी कि पहले आप इन दोनों में ऑपरेशन करोगे। कैसा ऑपरेशन भाई, दो डिजिट में ऑपरेशन करने का मतलब है इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और नीचे लिख दो, ठीक। चार डिजिट में करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, चार डिजिट में ऑपरेशन करोगे। चार डिजिट में ऑपरेशन करने का मतलब होता है इस वाले नंबर की इससे मल्टीप्लाई और इस वाले नंबर की इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई और दोनों को जोड़ दो। एग्जाम्पल के तौर पर भी हम लेके देखेंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप आपका बनेगा इन दोनों डिजिट की ऑपरेशन। तो इन दोनों डिजिट में क्या ऑपरेशन होगा, दोनों की मल्टीप्लाई करो और नीचे लिख दो। इतना समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार हम क्वेश्चन के तौर पे इसको लेके देखते हैं। आपके सामने लिखा है कि मुझे 24 की मल्टीप्लाई 36 से करनी है। क्या क्वेश्चन है कि भाई मुझे 24 की मल्टीप्लाई 36 से करनी है। मैं साइड में भी लिख देता हूँ एक बार। क्या करेंगे, पहला स्टेप होगा आपका, देखिए एरो से दिखा रखा है कि पहले 6 और 4 के अंदर ऑपरेशन करना है। कौन सा ऑपरेशन होगा, जब भी कभी मैं स्ट्रेट दो डिजिट में ऑपरेशन की बात करता हूँ तो दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई करके आप नीचे लिख देते हो, ठीक है। और जब मैं चार डिजिट में बात करता हूँ तो चारों की इस वाले नंबर की इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे और इस वाले नंबर की इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे और जो रिजल्ट्स आएंगे दोनों को आपस में ऐड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑपरेशन क्या होगा, तो 6 की 4 से मैं जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 4 24 को मैं 4 लिख दिया, 2 यहाँ पे आपका कैरी आ गया, 6 4 24 4 लिखा 2 कैरी आ गया। अगले स्टेप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अगला स्टेप आपका ये है। ये स्टेप मतलब है कि 2 की 6 से मल्टीप्लाई और 4 की 3 से मल्टीप्लाई और बीच में क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 6 2 12 एंड 4 3 12, तो 12 और 12 दो बार, मतलब उनको ऐड कर दिया 24 और यहाँ पे 2 कैरी था तो यहाँ पे कितना आ गया 26, यानी कि 6 आ गया, एक बार फिर से 2 कैरी आ गया आपका। लास्ट स्टेप क्या बनेगा, इन दो डिजिट्स में ऑपरेशन। सो 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6 और 2 ऐड करना है 6 और 2 8, सो 864 इज योर आंसर। एक बार आपको समझने में टाइम लगा, मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पे बहुत स्पीड से सॉल्व करता हूँ। आपके सामने तीन ऑपरेशंस होंगे, यानी पहले 6 और 4 में ऑपरेशन लगाओगे, एक स्टेप कंप्लीट, दूसरा स्टेप इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई और तीसरा स्टेप लास्ट की दो डिजिट यानी 3 और 2 में ऑपरेशन। तो 6 4 24 का 4 लिखा इधर, 2 कैरी, 6 2 12, 4 3 12 यानी कि 24 और 2 26, फिर से 2 कैरी, 3 2 6 और 2 8। देखिए कितना आसानी से आपने इस क्वेश्चन को कर दिया। इसी स्पीड से आपको भी क्वेश्चंस करने हैं, अभी और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में लगातार। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को एक बार पहले बहुत स्पीड से सॉल्व करने के लिए देखते हैं। तो 7 2 14 का 4 1 कैरी और फिर हमने क्रॉस कर दिया, क्योंकि दूसरा स्टेप हमारा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 3 2 6, 7 8 56, तो 56 में हमने 6 ऐड किया, 62 और 1 आया 63, राइट। देखिए यहाँ पे 8 7 56, 3 2 6, राइट, 62 1 36, अभी कैरी 6 है। लास्ट स्टेप 8 3 24 और 24 में मैं जब 6 ऐड करता हूँ तो 30 आता है। तो 37 की मल्टीप्लाई 82 से, ये काफ़ी बड़ा एक अपने आप में क्वेश्चन है और कितनी सेकंड्स में आपने आंसर आपने निकाल दिया, ठीक है। एक बार फिर से अगले क्वेश्चन की हम लोग तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग पॉज कीजिए वीडियो को और सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करके वीडियो के नीचे कमेंट डालिए। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखते हैं सो आई विल
आई विल मेक श्योर कि आपको ये ट्रिक और ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया। ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दो डिजिट मल्टीप्लीकेशन के बाद हम जब अगला स्टेप में बढ़ेंगे तो वो होगा हमारा थ्री डिजिट मल्टीप्लीकेशन, और थ्री डिजिट मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल इसी की तरह होगा डिक्टो कॉपी। यानी इसको अच्छे से समझ लो तो वो स्टेप आपका एकदम कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे 2 और 1 की पहले मल्टीप्लाई, 2 वन्स आर 2, उसके बाद 6 टू ज़ार 12, 5 वन्स आर 5, 12 एंड 5 17 का 7, 1 कैरी गया, 6 5 ज़ार 30 एंड 1 30। कितने आसानी से हमने बिना कुछ लिखे सीधा आंसर ही तो लिखा है हमने, सिर्फ 1 कैरी लिखा है, माइंड में रख लो। एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, बहुत स्पीड से इस क्वेश्चन को करेंगे, एक क्वेश्चन और आपको कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए फिर हम लोग देते हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 6 4 ज़ार 24 का 4 आ गया 2 कैरी, 7 की 6 से 7 6 ज़ार 42, 4 2 ज़ार 8, 42 एंड 8 50 एंड 2 52, तो राइट यहाँ पे 2 लिखा, और फिर से यहाँ पे 5 आपका कैरी आ गया, सो 7 2 ज़ार 14 एंड 5 19। तो यहाँ पे देखिए कितने आसानी से आपने क्वेश्चन का आंसर निकाला। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपके सामने और कमेंट सेक्शन में यहाँ पे तुरंत मुझे आंसर बताएंगे। 83 की मल्टीप्लाई 74 से करनी है, टू डिजिट मल्टीप्लीकेशन से यहाँ पे आप इस मेथड को इसको बहुत आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। इसके बाद तुरंत थ्री डिजिट मल्टीप्लीकेशन की वीडियो तैयार है आप लोगों के लिए। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आगे सुपरफास्ट कैलकुलेशन की सीरीज़ को पूरा देखें और अपनी कैलकुलेशन को सुपरफास्ट बनाएं। आगे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, ये एक स्टार्टिंग थी, बेसिक कॉन्सेप्ट था। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।